Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे आरके राजपूत इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव बुक का 29 नंबर चैप्टर इल्यूमिनेशन, जो कि जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि कम समय में आपका रिविज़न हो सके। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका डी ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर, ल्यूमिनस इफिशेंसी ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का ल्यूमिनस इफिशेंसी कितना होता है? तो 60 ल्यूमेन पर वाट होता है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कैंडेला इज यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कैंडेला किसका यूनिट है? तो कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कलर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन, तो कलर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन क्या होता है? इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का। पांचवा नंबर देखते हैं, इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं लक्स, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। डैश ए सॉलिड एंगल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डैश, सॉलिड एंगल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो स्टे रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं, तो 6 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, स्टे रेडियन। सातवां नंबर, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और 8 नंबर का देखते हैं, फिलामेंट लैंप ऑपरेट नॉर्मली एट पावर फैक्टर, तो फिलामेंट लेवर कितना पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है? तो इसका हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है, सी ऑप्शन सही है। 9 नंबर, द फिलामेंट ऑफ GLS लैंप इज मेड ऑफ, तो फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ए ऑप्शन होगा। और फाइन डायमीटर टंगस्टन वायर आर मेड ऑफ, तो इसका वायर ड्रॉइंग ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। 11 नंबर, वाट परसेंट ऑफ इनपुट एनर्जी इज रेडिएंट बाई फिलामेंट लैंप, तो इसका 10 नंबर 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 11 नंबर का 10 से 15% होता है। वाट परसेंट ऑफ इनपुट एनर्जी इज रेडिएटेड बाय फिलामेंट लैंप, तो 10 से 15% होगा, बी ऑप्शन। और 12 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज द चीपेस्ट फॉर सेम वाटेज, तो सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है? तो GLS लैंप होता है, सी ऑप्शन सही है। 13 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ GLS लैंप, तो GLS लैंप का स्टैंडर्ड रेटिंग कौन सा नहीं है? तो 75 वाट का नहीं बनता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। द हॉर्स इन हाउस द इल्यूमिनेशन इन द रेंज ऑफ, तो हाउस में कितना इल्यूमिनेशन होता है? तो 60 से 65 ल्यूमन पर वाट होता है, इसका डी ऑप्शन सही है, 60 से 65 ल्यूमन पर वाट। 15 नंबर, द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द इल्यूमिनेटेड सरफेस विथ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स, द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो इसका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ हो जाएगा। इसमें याद ऐसे भी रख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन में ही कोसाइन लगा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर का, द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प, तो सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प का कलर होता है येल्लो, और स्टार्टिंग में पिंक होता है, ये फाइनल का है। और देखते हैं 17 नंबर, कार्बन आर्क लैम्प आर कॉमनली यूज, तो कार्बन आर्क लैम्प यूज होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, सिनेमा प्रोजेक्टर में। और 18 नंबर, डिजायर्ड एल्यूमिनेशन लेवल ऑन वर्किंग प्लेस डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है? तो सब पे डिपेंड करेगा, वेदर द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग, और एज ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी सीन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वेदर द ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो 18 नंबर का सारा ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर का, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस फैक्टर डिपेंड, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस फैक्टर सब पे डिपेंड करता है। लैंप क्लीनिंग शेड्यूल, एजिंग ऑफ द लैंप, टाइप ऑफ वर्क कैरिड आउट एट द
प्रीमिसेस, इसका टोटल ऑप्शन सही है। 20 नंबर देखते हैं, इन ए लाइटिंग इंस्टॉलेशन यूजिंग फिलामेंट लैंप 1% वोल्टेज ड्रॉप रिजल्ट्स इन, तो 20 नंबर का हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन होगा, 3.5% लॉस इन लाइट आउटपुट। 21 नंबर का देखते हैं, फॉर द सेम ल्यूमन आउटपुट द रनिंग कॉस्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज, 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा, लेस देन दैट ऑफ फिलामेंट लैंप, बी ऑप्शन सही है। 22, फॉर द सेम पावर आउटपुट, 22 का हो जाएगा, सेम पावर आउटपुट लो वोल्टेज रेटेड लैंप विल बी मोर स्टड, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 23, द कॉस्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज मोर देन दैट ऑफ इनकंडेंसेट लैम्प बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर, किस फैक्टर के कारण, तो इसका सारा फैक्टर सही है, मोर लेबर इज रिक्वायर इन इट्स मेंटेनेंस इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग, नंबर ऑफ कंपोनेंट यूज इज मोर, क्वांटिटी ऑफ ग्लास यूज इज मोर, सब कुछ ज़्यादा लगता है इसलिए थोड़ा महंगा भी हो जाएगा। 24 नंबर का देखते हैं, फिलामेंट लैंप एट स्टार्टिंग विल टेक करेंट, तो फिलामेंट लैंप एट स्टार्टिंग मोर देन इट्स फुल लोड रनिंग करंट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 25, ए रिफ्लेक्टर इज प्रोवाइडेड टू, तो रिफ्लेक्टर क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इसका भी सारा ऑप्शन सही है, प्रोटेक्ट द लैंप के लिए और प्रोवाइड बेटर इल्यूमिनेशन के लिए और एवॉइड ग्लेयर के लिए भी, सारा ऑप्शन सही है। 26 नंबर का, द पर्पस ऑफ कोटिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब फ्रॉम इनसाइड विथ वाइट पाउडर, तो वाइट पाउडर से अंदर में कोटिंग क्यों करते हैं, तो 26 नंबर का हो जाएगा, टू इंक्रीज द लाइट रेडियंट ड्यू टू सेकेंडरी इमिशन के कारण। और 27 नंबर, डैश विल नीड लोवेस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो सबसे कम इल्यूमिनेशन कहाँ चाहिए, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे सबसे कम चाहिए, इस ऑप्शन के अनुसार से बी ऑप्शन हो जाएगा। और 28 नंबर का देखते हैं, ड्यू टू मून लाइट इल्यूमिनेशन इज नियरली, तो मून लाइट में इल्यूमिनेशन बहुत कम होता है, 0.3 लुमेन पर मीटर स्क्वायर, इसका डी ऑप्शन सही है। 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ कैंडल पावर ऑफ डिफरेंट सोर्स, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो फोटोमीटर यूज करते हैं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर, डैश फोटोमीटर इज यूज फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, तो कौन सा फोटोमीटर यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा गिल्ड्स फ्लिकर, इसका डी ऑप्शन सही है। 31 नंबर का देखते हैं, 31 में, इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चौक इज प्राइमरली, तो चौक का क्या फंक्शन है, तो इनिटिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट, इसका सी ऑप्शन सही है। 32 का देखते हैं, 32 का हो जाएगा, डैश कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो इनकंडेंसेंट लैंप है जो ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं सहता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 33 का, द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्राइमरली टू, तो इसका हो जाएगा इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ पावर फैक्टर, सी ऑप्शन सही है। 34 नंबर का देखते हैं, डैश डज नॉट हैव सेपरेट चौक, तो सेपरेट चौक किस में नहीं होता है, तो सोडियम वेपर लैंप में नहीं होता है, इसका 34 का ए नंबर हो जाएगा। 35, इन ए सोडियम वेपर लैंप द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफार्मर, तो लीक ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन होता है, तो टू स्टेबलाइज द आर्क टू रिड्यूस द सप्लाई वोल्टेज, इसका दोनों ऑप्शन सही है, सी नंबर हो जाएगा। 36 का देखते हैं, 36 का हो जाएगा, मोस्ट इफेक्टेड पैरामीटर ऑफ फिलामेंट लैंप ड्यू टू वोल्टेज चेंज, तो इसका लाइफ होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लाइफ पे ही पड़ता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। और 37 नंबर, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप फॉर स्टेबलाइजिंग द आर्क, तो 37 का हो जाएगा, ए रिएक्टिव चौक इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सप्लाई, इसका ए ऑप्शन सही है। 38, फॉर प्रीसियस वर्क द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर इन द ऑर्डर ऑफ, तो प्रीसियस वर्क के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए 500 से 1000 लुमेन पर मीटर स्क्वायर, बारीकी चीज़ देखना होता है, इसलिए इल्यूमिनेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, सिर्फ 500 से 1000 लुमेन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ए ऑप्शन। 39 का देखते हैं, डैश इट कोल्ड कैथोड लैम्प, तो नियोन लैम्प को कोल्ड कैथोड लैम्प बोलते हैं, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, इन केस ऑफ डैश लिस्ट इल्यूमिनेशन लेवल इज रिक्वायर्ड, तो सबसे कम इल्यूमिनेशन लेवल किस में चाहिए, तो इसका हो जाएगा हॉस्पिटल वार्ड में कम चाहिए, इस ऑप्शन के अनुसार से, दूसरे ऑप्शन में दूसरा आंसर होता है, मतलब देखा जाता है चारों ऑप्शन में सबसे कम कहाँ पे चाहिए। और 41 नंबर का देखते हैं,
फॉर द नॉर्मल रीडिंग द इल्यूमिनेशन लेवल इज अराउंड, तो नॉर्मल रीडिंग के लिए कितना चाहिए, तो 60 से 100 लुमन पर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप लाइट इज प्रोड्यूस बाई, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में कैसे रिड्यूस कैसे लाइट प्रोड्यूस होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, आयोनाइजेशन इन गैस और वेपर से। 43 का ए सब्सटेंस विद चेंज इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटो कंडक्टिव, इसका सी ऑप्शन सही है। 44 का देखते हैं, इन केस ऑफ डैश पावर फैक्टर इज हाईएस्ट, तो सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर किस में होता है, तो 44 का हो जाएगा GLS लैंप का सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर होता है। और 45 का डैश मरकरी वेपर लैंप गिव्स डैश लाइट, ये मरकरी वेपर लैंप गिव डैश लाइट, तो मरकरी वेपर कैसा लाइट देता है, तो 45 का हो जाएगा डी ऑप्शन ग्रीनिश ब्लू देता है, 45 का डी ऑप्शन। और 46 का देखते हैं, सम टाइम द व्हील ऑफ रोटेटिंग मशीन अंडर द फ्लुएंस ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प अपीयर टू द स्टेशनरी, दिस इज ड्यू टू, तो इसका हो जाएगा अस्ट्रोबोस्पिक इफेक्ट, इसका बी ऑप्शन सही है। और 47 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग बल्ब ऑपरेट द लिस्ट पावर, तो लिस्ट पावर में सबसे कम पावर कौन सा बल्ब ऑपरेट करने में लगता है, तो टॉर्च बल्ब, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज मोर प्रोनाउंस एज, तो इसका हो जाएगा लोअर फ्रिक्वेंसी, ए ऑप्शन हो जाएगा। और 49 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट नीड अल्ट्रा वायलेंट लैम्प, अल्ट्रा वायलेंट लैम्प किस में नहीं चाहिए, तो कार लाइटिंग में, ए ऑप्शन हो जाएगा। 50 का, विच गैस कैन फील्ड इन GLS लैम्प, तो GLS लैम्प में एनी इनेट गैस को फील कर सकते हैं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 41 का देखते हैं, द गैस फील्ड इन वैक्यूम फिलामेंट लैम्प इज, तो वैक्यूम फिलामेंट लैम्प में, तो इसमें वैक्यूम है तो कोई गैस नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा नन। ल्यूमिनस फ्लक्स इज, तो 42 का हो जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स का द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, इसका सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 53 का, 53 का द वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर डोमेस्टिक लाइट हैज, तो इसका हो जाएगा टू फिलामेंट यूज करते हैं इसमें, सी ऑप्शन सही है। और 54 इन ए इनकंडेंसेट लैम्प बर्ड केज फिलामेंट इज यूजुअली यूज इन वैक्यूम बल्ब सो एज टू, तो इसका हो जाएगा हैव यूनिफॉर्म रेडिएशन के कारण, इसका सी ऑप्शन सही है। और 55 का देखते हैं, अस्ट्रोबोस्पिक इफेक्ट ड्यू टू यूज ऑफ डिस्चार्ज लैम्प इन वर्कशॉप रिजल्ट्स इन मूविंग मशीनरी अफेयर, तो 55 का हो जाएगा, किसी तरह से भी अफेयर दिखता है, स्टेशनरी भी दिखता है, स्टेशनरी रनिंग स्लो भी देखता है, स्टेशनरी रनिंग इन रिवर्स डायरेक्शन भी देखता है, कभी कभी आप लाइट में फैन को भी देखिएगा तो लगेगा स्लो घूम रहा है या फिर उल्टा घूम रहा है, उसी को ये इफेक्ट बोलते हैं। 56 का देखते हैं, कोफिशियंट ऑफ इल्यूमिनेशन डिपेंड अपॉन, इल्यूमिनेशन का कोफिशियंट किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका सब पे कलर ऑफ वॉल कलर ऑफ सेलिंग और साइज ऑफ रूम पे भी डिपेंड करता है। 57 का देखते हैं, ग्लेयर इज रिड्यूस बाय, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो सारा ऑप्शन इसका सही है, यूजिंग डिफ्लेक्टर से इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द लैम्प यूजिंग रिफ्लेक्टर टू कट ऑफ द लाइट एट सर्टेन एंगल। 58 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन साइड द फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब के इन साइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसका हो जाएगा मरकरी वेपर प्रेजेंट होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। 59 का देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ब्रोकन इट्स प्रोड्यूस बैंग, दिस इज ड्यू टू, तो इसका हो जाएगा वैक्यूम इन साइड द बल्ब, ए ऑप्शन, वैक्यूम के कारण थोड़ा आवाज करता है फूटने पर। 60 नंबर का देखते हैं, ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन द लाइट ऑफ ट्यूब अपेयर कूलर देन दैट ऑफ लैम्प, तो इसका हो जाएगा टंगस्टन इज नॉट यूज इन द ट्यूब, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 61 का देखते हैं, स्काई अपेयर ब्लू बिकॉज, तो स्काई क्यों ब्लू दिखता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओवर डस्ट पार्टिकल, डी ऑप्शन सही है। 62 ए पुअर मैन हिज किचन विल मेक यूज ऑफ, तो पुअर मैन कौन सा यूज करते हैं, इनकंडेंसेट लैम्प यूज करता है, बी ऑप्शन। और 63 का देखते हैं, 63 का सी ऑप्शन हो जाए, 63 का हो जाएगा सॉफ्ट शैडो आर प्रोड्यूस बाय, इसका दोनों ऑप्शन सही है, यूजिंग सरफेस सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, बी ऑप्शन भी इसका होगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लैम्प।
यानी इसका दोनों ऑप्शन सही है। 64 का देखते हैं, 64 का रिफ्लेक्टर आर प्रोवाइडेड विथ स्लिट्स एट द टॉप, रिफ्लेक्टर आर प्रोवाइडेड विथ स्लिट्स ऑफ द टॉप टू, तो 64 का हो जाएगा, सारा ऑप्शन इसका सही है। इंट्रोड्यूस चिमनी इफेक्ट ऑफ क्लीनिंग, रिड्यूस कलर कंट्रास्ट, रिड्यूस हीटिंग इफेक्ट। 65 का इन ए सोडियम वेपर नियोन गैस, तो 65 का हो जाएगा, एसिस्ट इज डेवलपिंग इनफ हीट टू वेपोराइज द सोडियम, इसका बी ऑप्शन सही है। 66 का देखते हैं, ए फ्लोरोसेंट ट्यूब ब्लास्ट रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद चॉक, 66 का हो जाएगा, वेन द ट्यूब ऑपरेटेड ऑन डीसी सप्लाई से, इसका बी ऑप्शन सही। 67 नंबर का देखते हैं, इन इनकंडेंसेट लैम्प कॉइल फिलामेंट आर यूज फॉर, तो क्यों यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, तो गैस फील्ड लैम्प में, सी ऑप्शन सही है। 68 का देखते हैं, वेन ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन डीसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डिवाइस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सर्किट, तो 68 का सी नंबर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर को ऐड करके करते हैं। और 69 का, द टंगस्टन फिलामेंट लैम्प व्हेन कंपेयर्ड विद फ्लोरोसेंट ट्यूब हैव द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉन्गर लाइफ नहीं होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 70 नंबर का, द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन ए सरफेस लिस्ट डिपेंड अपॉन, तो सबसे कम डिपेंड करता है एम्बिएंट टेम्परेचर। दोस्तों अगर कहीं गलती होती है तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, और जल्दी से जल्दी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं हर रोज़ आपको वीडियो बना के देता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए। धन्यवाद।